हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे और ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही चीज़ी होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पैन गरम कर लेंगे, एक चम्मच बटर डाल लेंगे, अब इसमें आधा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल लेंगे, आधा कप स्वीट कॉर्न डाल लेंगे, आधा कटा हुआ गाजर डाल लेंगे और इसे तेज आंच पे करीब एक मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे बहुत बहुत नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है ताकि इसका क्रंचीनेस रहे। एक मिनट हो गया और ये भी हल्का फ्राई हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे अलग कंटेनर में निकाल के ठंडा होने देंगे। हमने पानी बॉईल कर लिया है, जब पानी बॉईल हो जाए तब इसमें हम नमक डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और हमने एक कप पास्ता लिया है, अब हम पास्ता को भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और 8 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है हम अपना वाइट सॉस भी तैयार कर लेते हैं। हम वही पैन फिर से लेंगे। सॉस बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हम 1.5 चम्मच बटर लेंगे, ये ले लिया हमने 1.5 स्पून बटर, और जितना हमने बटर लिया है उतना ही स्पून हमें मैदा भी लेना है, एक चम्मच और हाफ चम्मच। दिस इज़ द परफेक्ट क्वांटिटी। अब हम इसे पकाएंगे। हमें सॉस को ज़्यादा भी नहीं भूनना है। ये देखिए ये बबल आ रहा है, मतलब कि बटर पक रहा है। सॉस भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, ज़्यादा भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसी कलर का करना है। अब हमने दूध ले लिया है, ये दूध रूम टेम्परेचर पे है, ये 300 ml दूध है। अब हम इसमें पोर कर देंगे, मिलाते हुए पोर करेंगे इसे। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। सॉस हल्का उबलने लगा है, अब हम इसमें एक कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे ताकि गार्लिक का हल्का सा फ्लेवर आ जाए। अब इसी टाइम हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल लेंगे, इसको पका लेंगे। देखिए सॉस थिक होने लगी है और इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। सॉस हमारी तैयार है। अब हम पास्ता को चेक कर लेते हैं एक बार, गैस बंद कर देंगे। 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा पास्ता भी तैयार है। अब हम इसे बंद कर देंगे और तुरंत ही इसे छान लेंगे। और इसके ऊपर ठंडा पानी रन करेंगे ताकि जो भी ओवर कुकिंग हो रही है वो ना हो। पास्ता तैयार हो गया। अब हम गैस फिर से ऑन कर लेंगे और वाइट सॉस को फट से गरम कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अपने वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं। अब हम चीज़ लेंगे, ये स्लाइस चीज़ है, आप मोज़रेला चीज़ ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे और इसे भी पका लेंगे। ये मेरी दोस्त सुष्मिता ने कहा था बनाने के लिए, वो हम लोगों की सबसे बड़ी फ़ैन है। नहीं, सबसे बड़ा फ़ैन अनिर्बान है हम लोगों का। हाँ वो भी है। और हमारा पास्ता तैयार हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने हर्ब्स वगैरह क्यों नहीं डाले। हर्ब्स लास्ट में डालते हैं सर्व करने पे। तो गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। वाओ, यम यम। तुम्हारे मुंह में पानी आ गया क्या? ये डोमिनो से चिली फ्लेक्स मिला था, इसे हम डाल लेते हैं।
जिसके पास ये नहीं है वो काली मिर्च नहीं नहीं लाल मिर्च, लाल मिर्च कूट के डाल लो। और ये डोमिनोज से सीजनिंग क्या, ये ओरिगेनो मिला था वो भी हम डाल लेते हैं। शक्ल दिखा दीजिए अपना। गाइस, और अब स्प्रिंग ऑनियन इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं। इट्स रेडी नाउ। तो चलिए गाइस अब इसे खाते हैं। आज मैं खाऊंगी। तो तुम ही को पहले खिलाते हैं। लाओ तुम्हारी शक्ल दिखा। एक्सप्रेशन? नो एक्सप्रेशन। तो बताओ कैसा बना है? यम्मी। अब मैं भी खा लूं? इजाजत है आपकी? हाँ हाँ खाओ। कहाँ से यम्मी, नॉर्मल तो है। तुम खुद तो कुछ बनाते नहीं हो। मसाले की कमी है गाइस, तो आप बनाए तो ध्यान रखें थोड़ा नमक और थोड़ा मसाला डालें। गाइस ये तो अच्छा हुआ कि इसने ऊपर से ओरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डाल देने, तो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता। तुमको खाने की पहचान नहीं है, मुझे किसी और से रिव्यू कराना होगा। तो जो भी इसे देख के बनाने वाले थे आई एम सॉरी गाइस, मैंने हम लोगों ने आपका टाइम ख़राब किया। अगले वीडियो में कुछ नया करेंगे। गाइस आपको इसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, इतनी मज़ेदार शक्ल बन गई थी इसकी। गाइस ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बना था। तुम हमेशा बहुत गंदा गंदा मजाक करो। बहुत ही सॉसी, बहुत ही चीज़ी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो इसे गाली दीजिए गाइस, इसे गाली दीजिए क्योंकि ये रिव्यू दे रहे हैं। तो गाइस अगले वीडियो में फिर कुछ नया ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय।